स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने व्हाट इज एयर पोल्यूशन को जाना था। एयर पोल्यूशन के क्या कारण है किसको जाना था, है ना। एयर पोल्यूशन के प्राइमरी फैक्टर, सेकेंडरी फैक्टर, एयर पोल्यूटेंट मतलब प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, इन सबको जाना था। आज हम लोग देखेंगे कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं किसको, एयर पोल्यूशन को। हाउ वी कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो फर्स्ट वी कंट्रोल एयर पोल्यूशन टू मिनिमम यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। ओके, हम लोग जितना कम से कम हो सके फॉसिल फ्यूल को अगर यूज करें तो एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो है एयर पोल्यूशन का वो क्या है, ऑटोमोबाइल्स, कार, बस, स्कूटर, है ना। इसमें जो यूज होते हैं फॉसिल फ्यूल उससे काफी एयर पोल्यूशन होता है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग कैसे, तो लो यूज ऑफ सल्फर फॉसिल फ्यूल। सेकंड क्या है, जोनिंग इंडस्ट्रीज एरिया अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटल। अगर हम लोग क्या करें, इंडस्ट्रीज एरिया को अलग जोन में डाल दें, ह्यूमन एरिया, ह्यूमन क्षेत्र में जहां पे मनुष्य रहते हैं वहां पे जो है वो इंडस्ट्रीज को नहीं लगने दे, है ना। तो जोन बांटते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जोन बांटते हैं इंडस्ट्रीज का। तो क्या होगा कि उस जोन में सारे इंडस्ट्रीज होंगे तो हम लोग एक पार्टिकुलर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और आसानी से उस क्षेत्र में एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें जहां पे ह्यूमन है वहीं पे अगर फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लगा दिए तो इंडस्ट्रीज से निकलने वाले गैसेस या पार्टिकल्स हमारे हेल्थ को हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। वो क्या करेगा, एयर को पॉल्यूटेड कर देगा। लेकिन अगर एक निश्चित क्षेत्र जोन बांट दें किसका, इंडस्ट्रीज का, तो क्या होगा कि वो ह्यूमन से थोड़ा सा दूर हो जाएगा और हम लोग उसको जो है एक साथ उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके पोल्यूशन को, पोल्यूटेंट को कम कर सकते हैं ताकि एयर पोल्यूशन कम हो। ओके, तो ये काम कर सकते हैं। फिर क्या है, चेंजिंग पोल्यूटेंट टू लेस टॉक्सिक फॉर्म, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पोल्यूटेंट है उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में चेंज कर दें, ठीक है। अगर उसको हम लोग लेस टॉक्सिक फॉर्म में चेंज कर दें तो क्या होगा, तो पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। कैसे चेंज करेंगे, लेस टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक में चेंज करने के लिए अगर हम लोग देखें तो बहुत सारा मेथड है, बट हम अपने बुक के अनुसार पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या है। कंट्रोल डिवाइस फॉर पार्टिकल कंटामिनेंट्स, पार्टिकल जो होते हैं एयर पोल्यूटेंट में, डस्ट पार्टिकल और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको कम करने का तरीका अलग, एवं गैसेस कंट्रोल डिवाइसेस
फॉर गैसेस कंटामिनेंट, मतलब गैसेस के अलग होता है और पार्टिकल्स के लिए अलग, दो भाग में इसको बांटे है ना। तो क्या है कंट्रोल डिवाइसेस फॉर पार्टिकल कंटामिनेंट्स में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? फर्स्ट ग्रेविटेशनल सेटिंग, दूसरा साइक्लोन सेपरेटर, तीसरा हाइब्रिड फिल्टर, फोर्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स, ओके ये आपके बुक में है। एंड फिफ्थ वेट कलेक्टर, या इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रबर, ये आपके बुक में है। ओके ये नाम आप लोग याद रखेंगे है ना, ये नाम आप लोग के लिए यूजफुल है, नाम याद रखेंगे। ये दोनों को हम लोग अभी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको अच्छे से देखेंगे। और कंट्रोल डिवाइस फॉर गैसेस कंटामिनेंट में क्या क्या है, तो वे एब्जॉर्प्शन मेथड और दूसरा ड्राई एब्जॉर्प्शन मेथड, ये दो है। ओके तो ये दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एयर पॉल्यूटेंट है, ज्यादा टॉक्सिक है, उसको क्या कर सकते हैं, लेस टॉक्सिक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं उसके लेवल को, ताकि हमारे हेल्थ पे इसका असर कम पड़े। ओके तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स है ना। तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं कि ये जो है बहुत ही इफेक्टिव बोल सकते हैं है ना रिमूवल टेक्निक है ना, जो इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जिससे हम लोग 99% तक 99% तक पार्टिकल्स को कम कर सकते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत यूजफुल है, थर्मल पावर प्लांट में अगर इसको लगा दिया जाए तो ये काफी यूजफुल होगा। क्यों? क्योंकि ये 99% डस्ट पार्टिकल्स या जो भी वहां पे पार्टिकल्स हैं, पॉल्यूटेंट हैं, पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं, उसको कम कर सकता है। ओके तो क्या है, दे आर वेरी इफिशियंट डिवाइस विच रिमूव 99% ऑफ पार्टिकुलेट्स प्रेजेंट इन द इंडस्ट्रियल एंड थर्मल प्लांट। ओके ये वर्क कैसे करता है ना, ये वर्क कैसे करता है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में जहां से एयर निकल रहा है वहां पे हम लोग इस तरह का डिवाइस जो है वो सेट कर देते हैं, एक डिवाइस सेट कर देते हैं है ना, जिसके थ्रू जिससे हो करके डस्ट पार्टिकल जो है वो जाएगा। ओके तो हम लोग क्या करते हैं, ये डिवाइस जो सेट किए वहां पे लगा दिए इलेक्ट्रोड वायर, क्या लगा दिए, पूरा ये आपका इलेक्ट्रोड वायर है। ओके और ये जो है वो डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल, ये डस्ट पार्टिकल का चार्ज आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जब ये डस्ट पार्टिकल इस इलेक्ट्रोड वायर से जाएगा तो इसमें जो है हाई वोल्टेज करंट जो है वो प्रवाहित होगा है ना, जिसके कारण ये जो डस्ट पार्टिकल है इसका चार्ज क्या था, पॉजिटिव, वो जो है हो जाएगा यहां से जैसे क्रॉस करेगा वो उसका चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे कलेक्टर प्लेट्स ग्राउंड में नीचे जमीन में सेटल रहता है, क्या कलेक्टर प्लेट, वो क्या करेगा, ये डस्ट पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज होना जा रहा था यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, ये जो है आराम से आपका आकर के इस प्लेट में जमा हो जाएगा। तो यहां से जो एयर जाएगा वो आपका कैसा एयर होगा, वो आपका जो एयर होगा वो क्लीन हो जाएगा। तो इस टेक्निक के द्वारा क्या है, इलेक्ट्रोड वायर के द्वारा जो है डस्ट पार्टिकल को
भेजा, पास करवाया, डस्ट पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो होगा क्या कि ये जो है सारा डस्ट पार्टिकल इससे अटैच कर जाएगा और कलेक्शन प्लेट लगा हुआ है जहां पे वो जाकर के सब क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। तो यहां से जो एयर निकलेगा हमारा वो कैसा होगा, वो आपका फ्रेश एयर होगा, क्लीन एयर होगा, 99% कैसा एयर होगा, क्लीन एयर होगा, ध्यान रखिएगा परसेंटेज, ओके, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन, कंपटीशन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्क्रबर। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्क्रब, ओके, क्या है स्क्रबर, तो वेट कलेक्टर, ओके। हम लोग देखते हैं क्या ये कैसे वर्क करता है स्क्रबर। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या है, फाइन स्प्रे ऑफ वाटर और अल्कलाइन फ्लूइड लाइक लाइम इज अलाउड टू फॉल ओवर एग्जिट एमिशन। जो डस्ट पार्टिकल निकल रहा है किससे, इंडस्ट्री से, उसपे अगर हम लोग क्या करें, वाटर या अल्कलाइन फ्लूइड को स्प्रे करें तो क्या होगा, तो क्या होगा कि जो डस्ट पार्टिकल है वो उसके साथ डिजॉल्व हो जाएगा और वो आपका जमीन पे जा करके सेटल डाउन हो जाएगा, वो आपका नीचे कलेक्ट हो जाएगा, जिसके जिससे क्या होगा कि पॉल्यूशन कम हो जाए, है ना, क्या होगा, वाटर डिजॉल्व गैसेस, वो क्या करेगा, वाटर जो है वो डिजॉल्व कर देगा गैसेस को। द पार्टिकल ऑल्सो बिकम हेवी एंड फॉल डाउन, तब क्या होगा, पार्टिकल्स जो है वो हेवी हो जाएगा और आराम से नीचे गिर जाएगा, वो एयर में पहुंचेगा नहीं, तो एयर पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूटेड होगा नहीं, है ना। और क्या दूसरा जो हम लोग अल्कलाइन या लाइम जो कर जो स्प्रे करवाते हैं वो क्या करता है, लाइम रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कैल्स टू प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फाइड, है ना। और क्या करता है लाइम जो हम लोग रिएक्ट लाइम जो हम लोग स्प्रे करते हैं वो क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। सल्फर डाइऑक्साइड आपका काफी खतरनाक पॉल्यूटेंट है, तो वो उसके साथ रिएक्ट करके उसको कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फाइड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, जो कि लेस टॉक्सिक है, ओके। अगर हम लोग देखें कि स्क्रबर कैसे वर्क करता है तो हम लोग देखते हैं डायग्राम को, है ना। तो क्या होता है, ये इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं डिवाइस लगाए हुए हैं जहां से क्या करेंगे, डर्टी एयर जो है उसको पास करवाएंगे, ओके। इस डर्टी एयर में इसको जो पास करवाएंगे तो ये इस कंटेनर के थ्रू या इस डिवाइस के थ्रू जाएगा। इस डिवाइस में हम लोग ऐसा सेट करेंगे कि यहाँ पे एक डिवाइस सेट कर देंगे जिसके द्वारा हम लोग वाटर या लाइन को क्या कर सके, स्प्रे कर सके। जब ये डस्ट पार्टिकल, मान लीजिए फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, धुआं निकलेगा तो यहां से ऊपर उठेगा, है ना, ऊपर उठेगा, और अगर हम लोग ऊपर से जो है क्या कर रहे हैं, वाटर या लाइन को स्प्रे करवा रहे हैं, तो क्या होगा कि ये हेवी फॉर्म में ये हेवी हो जाएगा, इसका वेट जो है वो बढ़ेगा और ये क्या कर देगा, फॉल डाउन कर जाएगा ग्राउंड में। तो क्या होगा, इसको जो एयर में जाना चाहिए वो जाएगा नहीं, तो यहां से आपका जो है वो क्लीन एयर जो है वो बाहर जाएगा, जो डस्ट पार्टिकल था वो फॉल डाउन हो गया। तो हम लोग एयर के पॉल्यूशन को इस तरीके से भी कम कर सकते हैं, ओके। अब जो है एक हम लोग और देखेंगे जिसको बोलते हैं कैटालाइटिक
कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है? तो जनरली हम लोग ऑटोमोबाइल्स बाइक जो चलाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी बाइक में जो हम लोग फ्यूल यूज करते हैं उसका कम्बसन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है और वो जो है वो बाहर निकल के वो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड ये सब जो है बाहर निकलने लगता है, जिससे जो कि काफी खतरनाक पॉल्यूटेंट है। ओके, तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है, वो क्या करता है, जब उसको हम लोग उस इस डिवाइस को जब हम लोग बाइक में सेट कर देते हैं तो ये क्या करता है, ये वहां पे पेट्रोलियम जो भी है उसका कंबसन ठीक ढंग से करवाता है और इससे पोल्यूशन जो है एयर में जो निकलने वाले हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जो था वो कम हो जाता है, नहीं आता है, जिससे एयर पोल्यूशन नहीं होता है। तो क्या है कैटालिटिक कन्वर्टर में जो यूज करते हैं हम लोग वो काफी एक्सपेंसिव मेटल्स होता है, जैसे प्लेटिनियम। क्या यूज करते हैं हम लोग, प्लेटिनियम या फिर प्लेटियम या फिर रोडियम, है ना, ये सब जो है वो क्या है कैटालिटिक मेटल्स है, काफी एक्सपेंसिव है बट एयर पोल्यूशन को कम करता है। ठीक है, इसको जो ऑटोमोबाइल्स में फिट किया जाता है क्यों, ताकि ये रिड्यूस कर सके इमिशन ऑफ पॉइजनिंग गैसेस। ओके, तो कैसे करता है, जैसे अगर हम लोग देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ये निकल रहा है, अगर इसमें हम लोग जो है वो सेट कर दिए कैटालिटिक कन्वर्टर को, तो वो क्या करेगा, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को निकलने नहीं देगा, ये पुनः जाके बर्न करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, ये बर्न करेगा, क्या निकलेगा CO2 जो कि लेस टॉक्सिक है। ओके, उसी तरह अगर हमने देखा हाइड्रोजन सल्फाइड तो ये इसको भी नहीं आने देगा, क्या करेगा, ये जो है आपका वो ऑक्सीजन से फिर बर्न करेगा, क्या निकलेगा CO2 और H2O वाटर को बना दिया, तो लेस टॉक्सिक हो गया। उसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड से जो रिएक्ट करेगा, ये क्या करेगा नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा आपका CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, तो ये क्या है लेस टॉक्सिक है, अगर ये आपका बाहर आता तो ये हाई टॉक्सिक था, ये एयर को काफी ज्यादा पॉल्यूशन पॉल्यूटेड करता, लेकिन ये जो है क्या है लेस टॉक्सिक है। तो इन मेथड के द्वारा हम जो है वो क्या कर सकते हैं, एयर के पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। एक पॉइंट है, है ना, नोट है, इससे जो है नीट में भी आपका क्वेश्चन पूछ चुका है, जैसे हम लोग बोले थे कि पार्टिकल्स, कौन सा पार्टिकल जो है वो आपका पोल्यूटेंट कहलाएगा, है ना, तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, है ना, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग ग्रेटेस्ट हार्म फॉर ह्यूमन हेल्थ। ओके, अगर किसी पार्टिकल का डायमीटर 2.5 से नीचे है, है ना, या 2.5 तक है, तो वो काफी खतरनाक होता है। होता क्या है, वो हमारे एयर के थ्रू, ट्रेकिया के थ्रू लंग्स तक चला जाता है और हमारे लंग्स को डैमेज करने लगता है। कैसे, तो हमारे ट्रेकिया में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऐसे सीलिया होता है, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर म्यूकस होता है। ओके, जो कि क्या करता है, सारे डस्ट पार्टिकल ये सबको जो है
वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है, बट वो अगर पार्टिकल्स आएगा तो वो जो है वो थोड़ा डायमीटर ज्यादा होने के कारण, या बोल सकते हैं उसका वेट होने के कारण, वो धीरे धीरे लंग्स तक पहुंच जाता है और हमारे लंग्स को डैमेज करने लगता है। ओके, तो ये डाटा आपको याद रखिएगा, ये इससे जो है इसको डायरेक्ट नीट में पूछ चुका है। ओके, इसीलिए इसको बता दिए। और इस मेथड के द्वारा हम लोग एयर के पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट हम लोग एसिड रेन को देखेंगे। धन्यवाद।